एशिया कप 2022 को शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करते दिखेंगे। साथ ही टीम में भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल की वापसी हो रही है। इस समय भारतीय टीम एशिया कप की तैयारी के लिए प्रैक्टिस में जुट गई है। साथ ही एशिया कप के शुरू होने से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा ने एशिया कप शुरू होने से पहले एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिससे उन्होंने विराट कोहली और एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है। कप्तान रोहित शर्मा ने एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जीते हैं और जिसमें विराट कोहली और एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान भारतीय टीम को टी20 ई में 16 मैच जिता दिए हैं। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने साल 2016 में टीम इंडिया को 15 मुकाबले जिताने में सफल हुए थे, जबकि विराट कोहली की बात करें तो साल 2018 में विराट कोहली टीम इंडिया को 14 मुकाबले जिताने में सफल हुए थे। अब तो इस साल भारत ने एशिया कप और फिर टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। ऐसे में रोहित शर्मा के पास मौका है कि वे एक कैलेंडर ईयर में भारत को काफ़ी ज़्यादा मैच जिता सकते हैं। एशिया कप में भारतीय टीम ने अपना सबसे मैच 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, जिसमें प्लेइंग 11 होगी। रोहित शर्मा कप्तान, लोकेश राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।